नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टैबलू के बारे में कि आखिर हम टैबलू सीखने के बाद इसको कहां यूटिलाइज करेंगे। बहुत सारे बार हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर टैबलू तो सीख लेंगे तो क्या मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं है। तो इसी पे मैंने वीडियो बनाया कि आखिर कैसे हम इस पे रिसर्च करें। तो देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप नौकरी.com, monster.com, sign.com जो ऐसे हमारे जॉब सर्चिंग साइट्स हैं उस पे जाएं। तो नौकरी.com सबसे ज़्यादा फेमस है, तो चलिए हम नौकरी.com पे जाते हैं और टैबलू के बारे में देखते हैं कि आखिर टैबलू कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं, जस्ट टैबलू को सर्च करते हैं, लोकेलिटी अगर इंडिया छोड़ देते हैं। तो अभी देखिए कि पूरे इंडिया में 3327 जॉब अभी एक्टिव है टैबलू के ऊपर। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे टैबलू डेवलपर है, ये आपका टैबलू डेवलपर, तो ये तो डेवलपर है तो ये तो अलग चीज है। आप अगर बात करें तो ये आपका एनालिटिक्स है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप इसकी कंपनी को भी देख लीजिएगा। अब ये कंपनी क्या है, कंसल्टिंग कंपनी है, कंसल्टेंट है जो कि जॉब वगैरह लगाते हैं वो है, तो इसकी सही नहीं बोली जाएगी। हालांकि सही हो सकती है लेकिन सही नहीं हो सकती। हाँ, ये देखिए, ये आपका सही है, टैबलू डेवलपर है, ये आपका टैबलू है, एसेंशियल में टैबलू की जरूरत है। तो चलिए कुछ वैकेंसीज को हम एनालाइज करते हैं कि आखिर कहां कहां यूज होता है। एनालिटिक्स में अगर आप जाते हैं तो आपको टैबलू की जरूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपिंग द रिपोर्ट डैशबोर्ड विद द टैबलू डैशबोर्ड एंड सर्वर। अगर हम इस पे दूसरी जॉब की बात करें तो यहाँ भी ये भी हमारी जो जरूरी एसेंचर की जॉब है, एसेंचर कंपनी की मुझे बताने की जरूरत है कंपनी कैसी है। यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट चाहिए, डिजाइन विल द कॉन्फिगर एप्लीकेशन टू मीट द बिजनेस प्रोसेस एंड एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। ये तो डेवलपर है तो इसको हम छोड़ते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर, डेब्रिज मैनेजर, सेल्स फोर्स और पावर बी आई विद टैबलू। इसमें पावर बी आई दोनों टैबलू चाहिए क्योंकि इसका जो मतलब कि वैकेंसीज है ये आपका एनालिसिस पे है, इसमें आपको एमएस प्रोजेक्ट भी आपको चाहिए होता है, लेकिन टैबलू यहाँ भी जरूरत है। तो आप देख लीजिए ज्यादातर जो एनालिटिक्स वाले जॉब है उसमें आपकी टैबलू की जरूरत पड़ रही है। अब इसमें हम बात करें आगे तो कंसल्टिंग जॉब को आप मत देखिएगा। हाँ, डेटा एनालिटिक्स, एसक्यूएल एंड टैबलू यहाँ पे चाहिए। तो आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि टैबलू के लिए 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं और सैलरी मोस्टली डिस्क्लोज नहीं होती है, लेकिन सैलरी पैकेज भी ठीक ठाक मिल जाता है। तो आज के डेट में मार्केट में टैबलू की भी जरूरत है और टैबलू एंड टैबलू डेवलपर दोनों है, लेकिन टैबलू डेवलपर थोड़ा सा एडवांस कोर्स हो जाता है, लेकिन आप जो है टैबलू जाके टैबलू सीख के जो आपकी जो इसकी डैशबोर्ड्स होता है, डैशबोर्ड्स पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट डिजाइन एंड डैशबोर्ड्स, ये आपका एक टैबलू पे है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। जैसे 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और ये आपकी जॉब की प्रोफाइल्स हैं। तो इस तरह से पहले आप किसी कोर्स को करने से पहले एनालाइज करें कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद कोर्स को आप सोचें। क्योंकि किसी ट्रेनिंग सेंटर से पूछिएगा तो ट्रेनिंग सेंटर्स तो आपको बोलेगा कि हाँ मार्केट में बहुत डिमांड है, उनको तो बिजनेस करना है, इंक्लूडिंग मैं भी इसमें इंक्लूड हो रहा हूँ। लेकिन अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो पहले हम जॉब करने से पहले या फिर किसी जॉब से रिलेटेड कोर्स करने से पहले हम देख लें
कि आखिर मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हम इस पे इसको सीखें या उसके बारे में जाए पता करें, सही रहेगा। अब किसी दोस्त में बोल दिया या फिर किसी अंकल हमारे हैं, इस तरह की रिलेशंस को जहाँ कहीं कोई हो सकते हैं वो बेस्ट है, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन हो सकता है उस समय मार्केट में डिमांड हो, अब कम हो। कंपनी जल्दी अपनी सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करती है, बहुत सारी कंपनी अभी भी ऑफिस 2007 यूज कर रही है क्योंकि उनको परचेज करना पड़ता है इसलिए। लेकिन नई ऑफिस में जाओगे वहां पे तो नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी ना। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एडवांस एक्सेल टैबलू से रिलेटेड वीडियोज हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, और साथ में अगर आप हमारी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। तो मेरी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, डेमो क्लास का फॉर्म भरिए, दो चार क्लास डेमो लेके देखिए, अगर अच्छा लगा तो फिर हम इसके आगे की चीज़ों पर डिस्कस कर लेंगे।